बीएनएमयू के पोर्टल पे आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करेंगे और आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, आप फॉर्म कैसे भरेंगे, इसको हम देखते हैं। तो आपको बीएनएमयू का पोर्टल खोल लेना है, उसके बाद आपको ऑनलाइन एडमिशन पे यहाँ जाना है। ऑनलाइन एडमिशन पे जाना है, आप यहाँ देख रहे हैं सभी छात्र छात्रा पंजीकरण पत्र डाउनलोड करने से पहले अपना फ़ोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करें। तो इसके लिए आपको अब एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे आपको जाना है। एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जैसे क्लिक कीजिए, आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ स्टूडेंट पोर्टल पे आपको जाना है, स्टूडेंट पोर्टल को क्लिक करना है। तो अब यहाँ पे आपको आईडी पासवर्ड डालना है, आईडी पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो आप यहाँ देख रहे हैं आपका प्रोफाइल खुल चुका है, यहाँ पर आपका फ़ोटो नहीं है। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ स्क्रॉल करेंगे, नीचे आप देख रहे हैं अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे जाना है आपको। यहाँ पे आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है, चूज फाइल करके हम फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए। नीचे जब स्क्रॉल कीजिएगा तो अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट करना है। डॉक्यूमेंट अपडेट सक्सेसफुली हो गया है। अब दिखाते हैं आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ आप देख रहे हैं एग्ज़ाम फॉर्म पर आपको जाना है, फिल एग्ज़ाम फॉर्म पर क्लिक करना है। आप यहाँ देख रहे हैं क्लास रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाला हुआ है, अगर नहीं डाला रहेगा तो आपको डालना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके बाद आपको होम पेज पे चले जाना है, आपको डाउनलोड फॉर्म पे जाना है और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको रजिस्ट्रेशन निकालना है, रजिस्ट्रेशन निकालने के लिए ये हम होम पेज पर आ गए और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर डाउनलोड फॉर्म है, डाउनलोड फॉर्म पर जाना है और नीचे आप देखिए प्रिंट रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपको यहाँ क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो जाएगा। अब इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बना के रख सकते हैं। इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर लेंगे, फॉर्म भर लेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।